आपने जैसा थंबनेल में देखा है, 100% वही चीज़ आपको वीडियो में मिलने वाली है। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप करने की कोशिश की, या फिर छोटा चाहेंगे कि आप थोड़ा स्किप करके बहुत आगे पहुँच जाएँ, मेन मुद्दे पर आ जाएँ, तो हो सकता है कि आप तक मैसेज गलत पहुँचे। पहली चीज़, तो चीज़ को सही तरीके से समझने के लिए, इस घटना को रोकने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाए तो शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय, आप देखें द क्वेश्चन आर भारत। हम वो देश हैं जिसमें तरह तरह की सभ्यताएं रहती हैं, जहां अलग अलग कल्चर एक साथ रहेंगे तो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे, तो यहां तो थोड़े बहुत की जगह तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब किन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा हूं? जो मेजर रूट कॉज है, जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं एक कल्चर के और दूसरे कल्चर के बीच में, जो गैप है वही इतना बड़ा है कि एक कल्चर कहता है, एक सभ्यता ये कहती है कि हम गाय को रोटी खिलाएंगे, गाय को पालेंगे, गाय का अगर दूध पिएंगे तो उसको माँ की तरह मानेंगे, क्योंकि उससे हमने सब कुछ लिया ही है, उसको दिया क्या है, ठीक। और दूसरा कल्चर जो कि एक सेकुलर देश में, समझिएगा टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, एक सेकुलर देश में वो माइनॉरिटी है। सेकुलर देश में कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, जहाँ पे सब बराबर होते हैं। दूसरी चीज, माइनॉरिटी वो खुद को कहता है जब उसको सारे बेनिफिट लेने होते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी भी वही, और उसकी सभ्यता, उसका कल्चर कहता है कि आप तो गाय को रोटी खिलाते हैं, हम गाय के साथ रोटी खाते हैं। इसमें फर्क है, और जब ये दोनों चीजें रहेंगी एक ही जगह पे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होना ही। आप लोगों ने ये तो कई बार सुना होगा कि गौ रक्षकों ने इसको मारा, उसको मारा, उसको बहुत अच्छे से डिमोनाइज किया गया है कि गौ रक्षकों ने मारा, लेकिन कभी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अगर आप किसी की रोजी रोटी पेट पालना, ऊपर से फेथ किसी का है, माँ मानता है, उसको आप किडनैप करना चाहेंगे, काटना चाहेंगे सिर्फ खाने के लिए या ट्रेड करने के लिए, तो जाहिर सी बात है सर, वो किसी भी एक्सटेंट तक जाएगा और उस चीज़ को बचाएगा, और उस चीज़ को बचाने बचाने में अगर वो कुछ गलत स्टेप्स भी उठा लेता है तो उस सिचुएशन के हिसाब से वो जायज़ है। मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बोल रहा हूँ, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि गाय की चोरी बचाने के लिए, गाय की हत्या बचाने के लिए आप हत्या कर दो, लेकिन उसी सिक्के का दूसरा पहलू आपको कभी नहीं दिखाया जाएगा कि कैसे कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने आप को रिच करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, दूसरे की आस्था पे ठेस पहुंचाने के लिए, एक सेकुलर कंट्री में जहां पे एक सभ्यता जिस पशु को पूजती है, दूसरी सभ्यता उसको काटना, खाना और बेचना चाहती है। अगर वो ये दिखा देता तो शायद एक बैलेंस क्रिएट हो जाता कि हाँ भाई, अगर ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ डिमोनाइज करना है गौ रक्षकों को। और ये वो सभ्यता है जहाँ पे गौ रक्षकों का बहुत मान सम्मान होता है, जहाँ गौ की बहुत पूजा होती है, तो आपको धीरे 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 उनको क्रिमिनलाइज करना है, डीमोनाइज करना है, ऑर्थोडॉक्स साबित करना है, और बिल्कुल मतलब एक ऐसी प्रजाति साबित करनी है कि गौ रक्षक मतलब क्रिमिनल, गौ रक्षक मतलब कम्युनल। और ये बातें मैं बिना किसी तथ्य के, बिना रियलिटी के, बिना फैक्ट से नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि बहुत समय से आप देख रहे हैं पिक्चरों के जरिए, मूवीज के जरिए, न्यूज़ के जरिए, मीडिया के जरिए, आपको शुरुआत से शुद्ध हिंदी या संस्कृत बोलने वाला आदमी हमेशा विलन पाया जाएगा, ठीक। गौ रक्षकों को आपने डिमोनाइज ऑलरेडी कर दिया कि वो क्रिमिनल्स होते हैं, वो हत्याएं करते हैं, ठीक। आपने देख लिया कि कैसे जो बीच में सिंपल मर्डर आई थी, और पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि साधु संत पंडित इन लोगों को या तो भिखारी, रेपिस्ट, चोर और डॉन, गुंडा, गाली देने वाला, मतलब जितना उनके कैरेक्टर को खराब किया जा सकता है, कैरेक्टर असैसिनेशन जितना हो सकता है किया गया। तो हमारे समाज में, हमारे जो सभ्य समाज में, एंशिएंट कल्चर में, जिनको जिनको हम बिल्कुल हायर पेडेस्टल पर रखते हैं, उनको बिल्कुल लोअर पेडेस्टल पर लाके खड़ा कर दिया गया या करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर मैं इन सब बातों को बोलूंगा भी तो आप शायद उस तरीके से ना ले पाएं, और अगर ले पा रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो उसको आगे तक फैलाइए। अब बात करते हैं कि वीडियो मैंने बनाई क्यों है। अब आ रहे हैं असली मुद्दे पे। आप लोगों को शायद ये बात पता है कि हमारे देश से बीफ का एक्सपोर्ट बहुत बहुत बड़ी मात्रा में होता है। पहले शायद भारत, लोग कहते थे पहले कि भारत नंबर वन, नहीं, नंबर वन कभी नहीं, नंबर वन शायद पहले रहा होगा, पता नहीं, लेकिन आज की डेट में नंबर थर्ड या फोर्थ पे है, इतना मैं कह सकता हूँ इस डाटा के अनुसार। ये भी बहुत प्राउड फील करने वाली बात नहीं है कि नंबर थर्ड या फोर्थ है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं। तो इतने ज़्यादा नंबर हम, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में
जानवर, पशु, गायें, टू बी स्पेसिफिक, कटते हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि भारत से जिस मात्रा में मीट एक्सपोर्ट होता है, चाहे बीफ हो चाहे जो हो, उसका रुकना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता नहीं होगा शायद, या पता होगा तो कन्फर्म करिएगा, और उसके साथ मैं पूरे फैक्ट्स और डाटा के साथ फिर कभी किसी और वीडियो में आऊँगा, और फोटोज़ भी तभी दिखाऊंगा, इसमें नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूट्यूब अपनी पॉलिसी के तहत जानवरों की या किसी की भी कटी वटी फोटो देखता है, तो हो सकता है कि वो उस पर मोनेटाइजेशन डाउन कर दे, या फिर वो वीडियो ही डाउन कर दे, उसकी रीच आगे ना बढ़ाए, तमाम चीज़ें वो कर सकता है, इसलिए मैं फोटो नहीं दिखाऊंगा। रायबरेली में ऐसा हो रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े खेतों में, ज़मीनों में गायों को सिर्फ इसलिए फेंक दिया जा रहा है क्योंकि वो गाय पालने में असक्षम रहे। इसका सीक्वेंस समझिए क्या हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड स्कैम हो कैसे रहा है आखिर। पहली चीज़ क्या हो रही है, यूपी सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे भी सरकारों ने ये कह रखा है कि आप गाय अगर पालेंगे, स्पेसिफिकली अगर स्टेट गवर्नमेंट कह दूँ, उनके पालने के लिए पर गाय या तो हम सब्सिडी देंगे या तो हम आपको पूरा खर्चा देंगे, जो प्रोपोर्शन सेट होगा वो सरकार और वो पार्टी डिसाइड करती होगी, मुझे नहीं पता डिटेल में, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि सरकार आपको इंसेंटिव, सब्सिडी, खर्चा, जो भी चीज़ें देती है, अलाउ करती है बड़े नंबर में, वो क्वांटिटी, पैसे की जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है पर गाय। ठीक, तो जो पालने वाला व्यक्ति होता है वो बल्क में गायों को ट्रक भाई ट्रक भर के लाता है, कहाँ से लाता है, क्या करता है मुझे नहीं पता, लेके आता है वो, जो जब ट्रकों में ठूस गायें आती हैं उसी में कई बछड़े मर जाते हैं, गायें मर जाती हैं सफोकेशन से, पहली चीज़। इतनी क्रुएल्टी आप समझिए किस हद तक हो रही है। दूसरी चीज़, जब वो ले के आते हैं और पर हेड के हिसाब से मरी हुई गाय का भी पैसा ले लेते हैं कि हम इतनी गायें ला रहे हैं, हेड गिन लो, पैसा दे दो, पैसा मिल गया। उसके बाद वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, एसडीएम की ये जिम्मेदारी होती है लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी, जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये बात आई है रियल केस, कि हर 15 दिन पर मैडम थी एक, वो देखने जाती हैं, लेकिन वो देख के क्या आती हैं, साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपने काम से लापरवाही कर रही हैं, और ये रायबरेली की घटना है। तो वो जब ले आते हैं और जो पैसा मिल जाता है पालन पोषण के लिए गायों को, उस पैसे का जाहिर सी बात है पालन पोषण तो नहीं किया जाता है, उन गायों को भूख से मार के तड़पा के, या तो उनको फ्री रोम के लिए छोड़ दिया जाए, खाएं खाएं मरे मरे, उनको मार के उस व्यक्ति के अपने लैंड पे या जहाँ भी उसने जो भी सिक्योर कर रखा हुआ एरिया, वहाँ ले जाके डंप कर देता। लोगों ने बताया है, आंखों देखी है, और ये वीडियो में भी कैद है घटना, कि ट्रॉली में, जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है, उसमें लाके पूरा गायों को, बड़ी बड़ी गायों को ऐसे खेत में छोड़ दिया जाता है, वो सड़ती हैं, गलती हैं, कुत्ते खाएं, जानवर खाएं, क्या करें क्या ना करें, बड़ी बड़ी गायें फुल फ्लेज्ड ग्रोन और कुछ तो बचड़े, ऐसे ही बहुत बड़ी क्वांटिटी में, सैकड़ों की, मतलब 100 की तादाद में। तो ऐसे तो यहाँ काम हो रहा है कि आप पैसा ले रहे हैं किस पर्पज़ के लिए, पैसा यूज़ हो रहा है किस पर्पज़ के लिए, और गायों का आप ख्याल रखने की बजाय उनको क्रुएलिटी से मार दे रहे हैं, भूखे मार दे रहे हैं। तो सरकार की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि सर आप क्रॉस चेक करने का तरीका थोड़ा स्ट्रिक्ट करिए, जहाँ हमारा पैसा जा रहा है वो काम हो रहा है कि नहीं, या तो आप सीसीटीवी कैमरेज लगाइए कि मंथली बेसिस पे एक एक दिन का डाटा चेक होगा कि कितनी गायें थी, कितनी गायें गायब हुई हैं, और मेरे पैसे का क्या यूज़ हुआ है, ये अकाउंटेबिलिटी उस व्यक्ति की हो जिसने आपसे पैसे लिए हैं, वो अपने अकाउंट्स चेक कराता रहे। वरना सरकार, आपने जो ये स्कीम निकाली है गायों की रक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, ये उनके लिए डेंजरस होती जा रही है, इतनी ज़्यादा डेंजरस हो गई है कि पहले तो छोटी क्वांटिटी में मरती थी, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ ये, लेकिन अब जानबूझ के पैसे के लिए और मारा जा रहा है, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है इस बात के लिए। मतलब फ्लो में देखा जाए तो यही शब्दावली सूट करेगी कि सरकार से पैसा ले लेके गायों को मारा जा रहा है, बस इंटेंशन किसकी क्या है ये देने और लेने वाले पर डिफर करता है। खैर, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं, मेरी बात समझ में आई है, इसको शेयर करिए, किसी को लगे कि उस पूरे कंटेंट के साथ, उस आदमी के नाम के साथ, उस फोटो के साथ और उस वीडियो के साथ मैं वापस आऊं, तो मैं आ जाऊंगा, एक दिन लाइव कर दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा, आपका मुझे बताइएगा कि क्या करना है। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप शेयर करिए, दूर तक पहुंचाइए, जितनी दूर तक आपकी रीच, आप अपनी रीच का इस्तेमाल करते हुए कि जिस जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ वहाँ शेयर करिए, इस बात का निवारण होना अति आवश्यक है आज की डेट में। वरना सरकार सोच रही है कि हम तो गौ सेवा कर रहे हैं, गायों का पालन कर रहे हैं, लेकिन असलियत में सरकार के दिए हुए पैसे की वजह से ही लालच में आके कुछ लोग गायों की हत्या कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।